नौजवानों जड़ वेले सपने सिद्दीक अकबर दे कदम ते बोसा दिता ते बोसा दे के कहन लगा मैनू भी वेखन दे मैनू भी वेखन दे मैनू भी वेखन दे सिद्दीक ने पैर दी एड़ी दबा के फरमाया हट जा मैनू ही वेखन दे उस सपने अबू बकर दे कदम चमके कयामत तक दे आने वाले आशिकां नूं दस दिता जिन्हें मुहम्मद की दीद करनी है सिद्दीक दे कदम चुमे मुहम्मद की दीद हो गिरामी कदर हजरात अच्छी अज सिद्दीक दा नहीं सिद्दीक अकबर दा जिक्र करन लगे ओ सिद्दीक बचपन च नबी दे नाल जवानी च नबी दे बड़ेपे च नबी दे मक्के च नबी दे मदीने च नबी दे हिजरत दी रात नबी दे ते हिजरत दे दिन नबी दे बाजार च नबी दे गारे च नबी दे अज मजारे च नबी दे बस इंज ना कह लवा उंज ते नबी दा साया कोई नहीं पर जेड़ा सारी जिंदगी मुहम्मद दा साया बन के नाल रहा ओनू अबू बकर सिद्दीक कहंदे ने वल्लज़ीना माहू जेड़ा नबी दे नाल जेड़ा नबी दे नाल ओदी मुस्तफा ने रफाकत दे क्या कहने मैं चुके बाप दी अदमत भी सुनानी है मैं ताजदारे सदाकत दा किस्सा भी सुनाना है मैं सिद्दीक दी अदमत भी बयान करनी इत्थे ते मैं अलहमदुलिल्लाह चुके मैं ते नक्शबंदी मुजद्दी चुराहूंगा ना ते असां नक्शबंदियां ते पेशवा चुके हजरत शहीदुना सिद्दीक अकबर ने इत्थे मेरे बाबा जी ताजदारे चूरा शरीफ एक बड़ी प्यारी गल फरमांदे हुंदे ने आप फरमाते हैं कि नबी पाक ने फरमाया मैं सारियां दे उधार दे चले हूँ जिन्हें जिन्हें मुहम्मद ते कोई एहसान किया फरमाया मैं सारे दे एहसान दे बदले दे चले हूँ पर सिद्दीक वल वेख के मेरे नबी ने फरमाया सिद्दीक तेरे एहसान दे बदले मैं नहीं देने तेनू मैं कयामत नू देवांगा तो मेरे बाबा जी फरमाते हैं जो कयामत नू सिद्दीक ने आना ना जी मेरा उधार दो तो मेरे करीम ने फरमाना मंग अबू बकर अज जो मंगना ही ते सिद्दीक अकबर ने अर्ज करनी है कमली वाले शफात है तुसा सारी उम्मत दी करनी पर आ जड़े मेरे लग लड़ लगे ने जरा इन्हां दी पहले नहीं कर दे फरमाने साडा बेड़ा जरा जल्दी पार हो जाना है क्योंकि असी सिद्दीक अकबर दे खाते जाना नक्शबंदी ते आपने कहना आ जड़े मेरे ने जरा इन्हां दी शफात जरा जल्दी कर दे आ जे तो गिरामी कदर हजरात तो मेरे नबी दा लाडला मिजाज शनासे नबूवत ते मिजाज शनासे रसूल हिजरत दी रात ते मक्कियों टुर पे दो राही दो राही कौन है एक सिद्दीक ते दूसरा रब दा माही कमली वाले आका अलैहि सलाम जदों हिजरत दी रात मक्के दी गली च टुरदे जा रहे ना ते सिद्दीक अकबर मेरे नबी दे पिछे पिछे मुरीद पिछे ही चलदे ने थकते नहीं गए अजे मैं गल शुरू कीती अजे मैं तुहानूं सिर्फ सिद्दीक दा तर्जमा समझाया कि सिद्दीक कहंदे किन्नू ने जे मैं बचपन तू जवानी तू मैं सारा बड़ेपे तक लैके आवां फिर वह कबूले सलाम दा उत बड़ी लंबी दास्तान हो जानी मैं तुहानूं बस अपने मौजूद मुताबिक चंद गल्लां करनी सिद्दीक अकबर नबी करीम के पिछे पिछे टुरे अचानक ना सिद्दीक अकबर हिजरत की रात नबी पाक दे ना अगे अगे टुरन लग पे नबी पाक ने वेख्या सिद्दीक मेरे अगे दस कदम अगे टुरे ते दाएं तरफ आ गए हुण ए सज्जे पासे टुरदे ने कदे खब्बे कदे अगे कदे पिछे कदे दाएं बाएं लहिंदा चढ़दा दखण पहाड़ इंज ना कह लवा सिद्दीक हिजरत की रात नबी दे दवाले मक्के की गली च इंज फिरदे ने जिवें लोग काबे दा तवाफ नहीं करदे इंज फिरदे अचानक नबी करीम गौर करके फरमा अबू बकर आ की पिया करना है अर्ज की सोने में पिछे टुरदियां टुरदियां ख्याल आया अबू बकर को दुश्मन अगू ही ना आ जाए तो मैं तुहाडे अगे आ गया अगे टुरदियां ख्याल आया को दाएं तू ना आ जाए मैं सज्जे पासे आ गया ख्याल आया को बाएं तू ना आ जाए तो मैं बाएं जिधर दा ख्याल आउंदा मैं उधर ही आ जाना हजूर ने फड़ के फरमाया तेनू अपनी जान की फिक्र कोई नहीं उसले सिद्दीक ने कदे जुमला बोलिया अर्ज की कमली वाले मेरे वर्गे लखा आ जाने ते तेरे जा ते रब ने दूजा बनाया ही कोई नहीं मेरे नबी फड़ के सिद्दीक नु सीने ला के फरमाया ना ना जे मेरे वर्गा कोई नहीं ते तेरे वर्गा भी कदों आवां आवण तेरे वर्गा भी नहीं लगा अफजलुल खलके बाद अलबिया अफजलुल बशरे बाद अलबिया ओ नबियां दे बाद जिहदा पहला नंबर है ते जिहड़ा इक्को ही है ओ अबू बकर सिद्दीक है
कायनात दा इमाम नबियां दे बाद मुस्तफा दे बाद शान हसनैन ओ जेड़ा नबी दे बाद दूसरा है वो उम्मत दा पहला है ओनो ही अफजलुल खल्क बाद लंबिया कहंदे ने हिजरत दी रात टुरे टुरे ते जद ओ गारे सौर ते जाना सी ना इंज सिद्दीक ने गारबल वेख्या ते कहन लगे कमली वालिया किथे मक्के दे नु केले पत्थर किथे तेरे अरशां ते फिरन वाले कदम ते ए मेरे कंधाड़े आओ ना आओना मैं जरा तुम्हें कंधाड़े चुक लवान मेरे नबी ने आख्या नहीं नहीं नबी पाक कंधाड़े बैठ गए याजे जो फतह मक्का दे दिहाड़े बुत तोड़ने ते नबी करीम ने फरमाया अली बुत तोड़ते मौला अली ने आख्या नहीं तो यार रसूल अल्लाह मैं कह जो तोड़ा फरमाया तू मेरे कंधे ते आ ते अली ने आख्या यार रसूल अल्लाह मैं अली तुसी नबी ना ना मैं सुने तेरे मोढ़िया ते नहीं सुने तुसी मेरे मोढ़िया ते आओ फरमाया है तू अली है पर नबी दा पार नहीं चुकया जाना उत्थे मौला अली ने फरमाया तेरे को नबी दा पार नहीं चुकया जाना पर हिजरत दी रात जदों सिद्दीक ने आखना मेरे मोढ़िया ते आओ इत्थे नहीं ना भी फरमाया तेरे को मेरा पार नहीं चुकया जाना चुप करके सिद्दीक दे मोढ़िया ते बह गए ते उम्मत नूं दस्या कि मेरे बाद जिन्हें उम्मत दा पार चुकना अबू बकर सिद्दीक ने चुकना है मेरे आका आए ना जदों कंधे ते आओ गार अच्छा इत्थे एक परी दी गल सुनावा चलो तुसीं नहीं बोले फिर कदे साईं बचपन च किसी के कंधाड़े बैठे भी होवोगे तो किसी को बिठाया भी होगा क्यों जी हज़रत जब कोई कंधाड़े चढ़ता सी ना तो जो बिठाता सी इस तरह करके लत्तां दे विचों दी बाजू है ना इंजीनियर साहब तो वह जो पिछे होंदा सी वह की करदा सी है ना हुण अख बंद करके हिजरत दी रात दा तसव्वुर ते कर जदों सिद्दीक ने मुहम्मद नूं कंध ते चुकिया होवेगा इस तरह करके मुस्तफा दी लत्तां दे विचों बाजू गुजारे होणगे ते पिछों जदों मेरे नबी पाया होवेगा जफा ते रंग पता की बनया रंग की बनया यार सीना सिद्दीक दा ते हथ मुहम्मद दे ते सीना मुहम्मद दा ते कंध सिद्दीक दी जदों कंध लगी ना मुस्तफा दे सीने दे नाल ते मेरे नबी मदीने आके फरमाया ओ अबू बकर नहीं जेड़ा मक्के वसदा सी हजूर ए केड़ा है फरमाया दी राती कंध मुहम्मद दे सीने नाल लगी सी जो कुछ खुदा ने मेरे सीने च रखा किसी मैं सारा ही अबू बकर दे सीने च रख दिता इन्हों कहते जे सीना बसीना फैज पता नहीं उस वेले कंध नाल ला के मेरे नबी ने केड़ा फैजान अबू बकर नूं दिता मेरी मिल्लत दे नौजवानों जदों ए गार वल गए ना इतने की होया मैं अर्द करा तो मैं तो बड़ा बकदर बार बस गार दे बार पहुंचे ना तो आख्या जरा इतने खलोवो तो अंदर गार बड़ी पुरानी है तो मैं जरा सफाई करके तो ये आया जे सिद्दीक अकबर दो ही कदम उठाए तो मेरे नबी फरमा अबू बकर जी यार रसूल अल्लाह फरमाया तू पहले जाना आख्या जो गार गंदी है ना जरा बड़ी पुरानी तो मैं सफाई करा तो तुम बाद आयो मैं तुम्हें बुलाना जी मैं जरा सफाई करके आया दो ही कदम उठाए तो नबी पाक फरमा देने अबू बकर फिर तू पहले ही जाना है आखा जो जरा सफाई करनी तो मैं पहले जाना है दो ही कदम उठाए तो दूसरा मैं फिर तू पहले ही जाना है आखा जी मैं पहले जाना तो बाद कानून बना लीए आख्या सोने की फरमा जे गारे जो पहले तू जाना है फिर मुहम्मद ने आना ना अज तो बाद मुहम्मद उत ही आन करे जिथे पहले सिद्दीक होया करेगा मैं उस दिल की गार चाहवागा जिथे पहले मेरा सिद्दीक होया करेगा मैं उस दिल की गार ही आना है जिथे पहले मेरा यार होया करेगा बस फिर सिद्दीक आए तो सिद्दीक ने गार दी कीती सफाई तो उत्थे एक सप भी सी जिहड़ा हजरत ईसा अलैहि सलाम दे दौर दा सप सी उन्हें हजरत ईसा को तकरीर सुनी ईसा अलैहि सलाम तकरीर पे कर दे ते फरमाया वा मुबशिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद मेरे बाद जिहड़ा नबी उहनां दा नाम अहमद होवेगा उह सप पे सुने ते सप ने अर्ज कीती मैनूं मौत ना देवे जब तक मैं मुहम्मद दी ज़ियारत ना कर लवां अल्लाह फरमा जा फिर ओ गार च जाके डेरे लगा एक दिन यार आवणगे एक दिन यार आवणगे अच्छा 650 साल पुराना सप इमाम गजाली ने इत्थे बड़ी मुहब्बत की बात लिखी आप तफसीर सूरह यूसुफ च फरमाते ने एक नौजवान सी उहदा नाम सी यहूदा अल्लाह के नबी हजरत हूद अलैहि सलाम के दौर का उन्हें एक दिन पढ़िया कि एक नबी आना यूसुफ हुसन का ताजदार उन्हें अर्ज की मौत ना देवी जब तक मैं यूसुफ की दीद ना कर लवान अल्लाह फरमाओ कुएं च जाके आराम करते एक दिन यूसुफ आवन गए वह कुएं च आके ना तो उन्हें घर बना लिया छोटा सारा उत्थे बैठ के अल्लाह अल्लाह करनी शुरू कर दी तस्बी पढ़ता रहा 1250 साल गुजर गए 1200 साल बाद हजरत यूसुफ पैदा हो यूसुफ अलैहि सलाम दे वीरां ने जदों रस्सी बंद के ते आपने कुएं च लटका के इंज रस्सी कट्टी ना ते यूसुफ कुएं वल गए ना पानी वल नौजवान जिब्रील आके जड़े वेले जन्नत दा तख्त हज़रत यूसुफ दे कदमां दे नीचे बिछाया
अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहि सलाम जड़ वेले जाओ के तख्त ते बैठ गए, ओ यहूदा भी कुएं दी दीवार जो निकल के तख्त ते बैठ गया। हजरत यूसुफ फरमाने लगे, मैनू ते वीरां ने छुटे आए, तू कित्थों आया है? हाथ जोड़ के कहन लगा, नबी अल्लाह वीरां दा किला ना करी, तेनों खूज वीरां नहीं छुटे आओ, तेनों खूज मेरिया उड़ीकां लैके आया। रोजगार चो निकलदा मक्के वाल मुंह करके कहिंदा कदों आउणा जे, ते तुसीं सुभान अल्लाह हौली बोलो, बाहर आवाज बिलकुल नहीं जानी चाहिए, ते हाथ ते चुकना ही नहीं, मत किधरे कोई शहीद ही ना हो जाए। अजे मैं शुरू हो रहा, अजे ते गल गार दी टुरी है, मैं यार तक लेके आनी है। हाय हस्सा पर रोजाना वेखदा है कदों आओगे कदों आओगे। आ जिन्हां नूं उड़ीक हुंदी है ना, उहनां दे रंग ही वखरे हुंदे ने। ऐ गुजरात जाइए तो इत्थे दरबार है बाबा कामा वाली सरकार है ना, बाबा करम इलाही अलमरू, बाबा कामा वाली सरकार। अज भी जाओ तो बाबे दे दरबार से हर पासे कां ही कां नजर आंदे ने। किसे पूछा, बाबा जी कोई कवे पालदा, कोई कबूतर पालदा, कोई तोते पालदा, कोई मोर पालदा, लोग सोने सोने परिंदे पालदे ने, काले रंग दा कां, इहदे नाल कदे किसे प्यार कीता है? तुसी कवे पाले ने? फरमा सुनिया कवे दी उम्र बड़ी लंबी होंदी है, उलमा फरमाते ने कवे दी उम्र 500 साल तो भी ज्यादा होंदी। फरमाते ने मैं कावां नाल प्यार करना, मेरे बनेरे ते बैठे रहना, और किसे दिन मेरे बनेरे ते वह भी कां आके बह जाए जिन्हें कमली वाले की ज़ियारत की थी। अपने चढ़ के जिस वेले दिल काली पावे, ते मैं रोवां अंदर वड़ के, ए जिस वेले दिल काली पावे, मैं रोवां अंदर वड़के। सिद्दीक ने जदू सफाई की, वाह सौगे बिच अच्छा। सिद्दीक ने जब सफाई की थी, ते कपड़ा पता ना कमीज फाड़ फाड़ के, ते सुराख बंद की थी, ते दो रह गए, कमीज खत्म हो गई। ए इस तरह करके ना गखड़ वाले हो, इस तरह सिद्दीक ने दुआ पैर की एड़ी रखी दुआ सुराखा, ते इस तरह करके ना इस तरह ते फरमाद ने आ जाओ आ जाओ। हाय हाय आओ सरकार आए ना, ते कहंदे ने थक गए होवोगे ते आराम करो। कदे गौर कीता जी, कंधियां ते चौके नबी नूं आप ले आए ने, ते नबी नूं कहंदे ने थक गए होवो, चुक के आप ले आए ने, ते कहंदे माही नूं ने तुसी थक गए होवोगे, ते आओ आराम करो। ते मेरे नबी भी इनकार नहीं कीता, आके ना सिद्दीक दी गोदी विच, ते अखां मेरे नबी ने जदों मूंह दलाईयां ना, बस मैं कीड़ा रंग देवां, ए अज मैं सवेरे तुसी रेल च रख के कुरान नहीं पढ़ते। हिजरत दी रात गार दे विच सिद्दीक ने गोदी दी बना ली रेल, ते विच रख लिया कुरान वाला। हुण नाले वेखी जांदे, नाले कहंदे ने अज रज रज वेखो अखियो नी,
अज रज रज वेखो अखियोनी मुड़ आना जाना किस्मत दाओ जे अल्फाज दीगर कवाओ ते आप पढ़ते होंगे चुक मीम दा परदाओ उखड़े तू चुक मीम दा परदाओ उखड़े तू दिल दीद बिना रजदा है जा होवे तेनु वेखन दा ए सवाओ बताया के बरी हज दा होए क्यों ना चाहो तेनू वेखन दा सवाब ता अकबरी हज दा है नहीं समझे आसान करा काबे च एक नमाज पढ़िए लख दा सवाब है मस्जिद नबी च एक पढ़िए ते 50,000 दा सवाब है असी दुनियादार एडे सियाने आ डबल शाह नूं 50,000 दे के ते लख करा लैने आ है ना ओ लख छड के 50,000 वल जा रहा आख्या सिद्दीक एक काबा छड़ के यार नाल मदीने टुर पे ते इत्थे ते 50,000 दा घाटा है तू लख छड़ के 50,000 वल जा रहे हैं लोग 50,000 छड़ के लख वल जांदे ने आख्या सानू लख की करना जे यार दा मुख ही नजरी ना आया सानू 50,000 ही कबूल है यार दा मुख ते वेखिया करांगे ना ओ पता चलिया ओ सवाब दे बंदे नहीं सन ओ इश्क दे बंदे सन ओ इश्क दे बंदे सन ताईं बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया पहली पौड़ी इश्क तेरे दी पुल सिरा ते आए डेरा लोकी हज मक्के नू जांदे ते मैं मुख वेखा तेरा लोकी हज लोकी हज मक्के नू जांदे ते मैं मुख वेखा तेरा तवज्जो है जी ए एक दो तीन चार पांच घड़ियां नहीं तीन दिन ते तीन रातां एड़ी सुराख दे उते ते डंग अबेली ने मैनू आख्या गल जरूर सुनाया जे इहदा मतलब मैं समझ गया कि बरीक बंदे बैठे ने अलहमदुलिल्लाह सुनन वाले मैं सद के जा सारा कुछ सोने सुना के जावा मैं केड़ा किधरों लैन जाना साइया सौदे मैनू सारे दिते ने भाई जो कुछ हट्टी दे विच होवे सो कढ़ना बंजारे एक बंजारे मोती वेकन एक मन के कज कर रहे मेरी दुकान से साइया सौदा इश्के रसूल दा रखे भाई मैं गली गली यही तकसीम करी जा रहे अल्हम्दुलिल्लाह जिंदाबाद ए डंग मारे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह लोग कहते ने डंग मारे मैं भी कहना मारिया पर सच्ची दसो वह तो नबी का आशिक से सप 650 साल दी उड़ीकां सन उन्हें डंग क्यों मारिया है ना अच्छा कदे यह भी गौर किया जे जिन्हें इन्ने सुराख किए सन कि कमीज खत्म हो गई जिन्हें इन्हें किए सन एक होर करके निकल आता क्यों उधर इन्ने सुराख भी सपने किए सन एक होर करके निकल आता सिद्दीक दी अड़ी कोली क्यों आया इत्थे क्यों आया
अच्छा चलो इंज गल कर लेने पहले उन्हें डंग मारिया तो कहिंदा मैनू भी वेखन दे मैनू भी वेखन दे सिद्दीक अड्डी दबा के फरमाते ने मैनू ही वेखन दे हुण गल जो वेखन दी है भाई वो कहिंदा मैनू भी वेखन दे वो कहिंदा मैनू ही वेखन दे हां तुसी गौर करो इस सप दा दिल करे किसे नूं बोसा देवे सप की जुबान ही डंग मैं नहीं कहता डंग मारे इश्क की जुबान च कवा मैं नहीं कहता डंग मारे उन्हें ना कदम ही चौले तो कहता मैनू भी वेखन दे अच्छा उन्हें तो बोसा लिया पर जुबान ही डंगे मजबूर है उन्हें बोसा लिया ना सिद्दीक दे कदम का उन्हें कयामत तक दे आशकां उन्हें गल समझा दी उन्हें आख्या वो दुनिया वाली वो याद रखे जी उन्नी देर तक मुहम्मद की जियारत नहीं जी आती जब तक सिद्दीक दे कदम ते बोसा ना दिता जाओ याद रखे इस सपने इश्क दा अच्छा जी लोग कहते सुर विच सुनाओ बोलते जी सुभान अल्लाह मैं किवें सुनावा गल होर दी होर हो जानी उच्चा बोलो सुभान अल्लाह नौजवानों जड़ वेले सपने सिद्दीक अकबर दे कदम ते बोसा दिता बोसा दे के कह लगा मैनू भी वेखन दे मैनू भी वेखन दे मैनू भी वेखन दे सिद्दीक ने पैर दी एड़ी दबा के फरमाया हट जा मैनू ही वेखन दे उस सपने अबू बकर दे कदम चमके कयामत तक दे आन वाले आशकन दस दिता जिन्हें मुहम्मद दीद करनी है सिद्दीक दे कदम चुमे मुहम्मद दीद हो सुभान अल्लाह बोले सगीरा कबीरा सारी हयाती दे गुनाह माफ फरमा दे जे ते गल वेखन वखान ते रही ते गल ते होर दी होर हो जानी पर मैं तुहानूं दसना जिहड़ा वेख लवे हुंदा की है मैं किहड़ा रंग देवां सिद्दीक अकबर वेखी जा रहे वेखी जा रहे ते वेखी जा रहे नाल वेख वेखे कहंदे ने अजे लत्थां नहीं ओ अखियां दा चा अजे लथान अखियां दा चा तू थोड़ी देर होर ठहर जा ते रब पूरी कीती दिल दी सदा तू थोड़ी देर होर ठहर जा तीन दिन ते तीन रात रज के नबी दी दीद की थी उधर मदीने वाले नु 17 दिन हो गए मेरे नबी दी उड़ीका कर दे मैं नौजवानों गखड़ वाले पहली बार अदर जी जब मैं मदीना तैयबा गया तो एक नरवाल दे मेरे अलामा साहब दोस्त ने ओवैसी साहब मैनू कहन लग्या सी साहब मैं बड़ा दरीना मदीना तैयबा रहना तो मैं एक तुहानू पुरानी जियारत करा के लिया वा मैनू मदीना शरीफ की पुरानी गलियां च लै गए एक मुकाम से खड़ा करके कह लगे सी साहब आओ ज़ियारत इत्थे खलो के हिजरत वाली रात मदीने वाले नबी पाक का इंतजार करते सन मैं पूछा ओवैसी साहब इत्थे खलो के क्यों करते सन वो कह लगे आसी साहब ये उस दौर च मदीना तैयबा सब तो बोलां दी जगह सी इत्थे खलो के ना वो जिहड़ा मक्के तो रस्ता पुराना हुंदा सी ना मदीने वाले उस रात बड़ी दूर तक नजर आउंदा सी मैं उत्थे खलो के दूर तक वेख्या ना तो मैनूं इश्क दी रमज़ दी समझ आ गई ते समझ मैनूं ए आई कि जिन्हां नूं इश्क होवे ना ते उड़ीक होवे साईयां दी सिक होवे महबूबां दी सदर ते तांग ते इंतजार ते उड़ीक होवे ना महबूबां दी ओह नीवें खलो के नहीं उच्चे खलो के रावां वेखदे ने ते तसल्ली उहनां दी मुड़ फिर नहीं आउंदी ते अड़ियां चुक के पब्बां पार होर उच्चे हो के ना वेखते ने किधर दूरों ही यार नजर आ जाए तो दरवाजा हवा नाल ही खड़के तो उन्होंने इंज लगता जिमें माही आया है तो दरवाजा हवा नाल खड़के तो उन्होंने इंज लगता जिमें माही आया है जिमें माही आया है मेरे मिलत नौजवानों मैं
उड़ीकां दा रंग पेश करां ते 17 दिन हो गए मदीने वाले नूं मेरे नबी दीआं उड़ीकां करदे आं ते आवाज़ां मारदे आ जाओ ना हुण आ भी जाओ ना आ भी जाओ ना ते ए जिहड़ी असां महफल सजाई कादे लई इसे लई ना कि आ भी जाओ ना हुण आ भी जाओ ना मदीने वाले भी पढ़ते हो गए असी भी पढ़ने याद तेरी दीवा वालिया याद तेरी दीवा वालिया याद तेरी दीवा वालिया आवी जा पल्ले ज़ुल्फ़ा सारे नूं मैं दावत नहीं देंदा जिन्ने दीवा वाले ना जिहड़ा घरों दस के आया उत्थे नबी पाक दा जिक्र होना होरे हजूर आवन ते मैं नबी दी याद दा दीवा वालन चलिया ओ बंदा हाथ खड़ा करे भाई ओ बंदा हाथ खड़ा करे जिन्हें दीवा बालिया सरकार दी याद आ अखियां नीवियां ते बंद कर लो ते हाथ अज इंज नहीं अज इस तरह अज जिवें सवाली दा कटोरा नहीं हुंदा ते गुंबद खिदरा वल इंज वेखो तसव्वुर करके जिवें सवाली सवाल करके सखी दे चेहरे वल वेखदा इंज करके ना सारे मिल के पढ़िए याद तेरी दा मैं दीवा बालिया ए याद तेरी तेरा जाना कुछ नहीं साडा कम बन जाना ही आवी जा बल्लेल ज़ुल्फ़ा नौजवान जड़ वेले मेरे आका आ गए मेरे आका रौले पै गए जा रसूलुल्लाह ओ, 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 ओ कमली वाले आ गए ओ कमली वाले मदीने वाले इस तो पहले हजूर नु वेख्या कोई नहीं सी आए ते ख्याल आया इत दो आ रहे ने दोनों दी दस्तार एक जैसी गुफ्तार एक जैसी किरदार एक जैसा रफ्तार एक जैसी लिबास एक जैसा नशिस्त एक जैसी बर्खास्त एक जैसी हुन मदीने वाले नु पता ना लगे नबी केड़ा ते अबू बकर केड़े लो हुन इश्क दी नवी रमज शुरू हो गई हुण तुसीं पढ़े लिखे गखड़ दे नौजवान मेरे तो बाद पुछोगे आसी साहब उन्हां नूं पता क्यों ना लगा आओ मैं आसान करके तुहानूं तसव्वुफ दा नुकता समझा जावां तवज्जो है तो एक बार सुभान अल्लाह बोलिया जे सारे भाई नहीं हुण हजरत तशरीफ ले आए ने तो की आखणगे शाम दे जी सुभान अल्लाह पे बोलदे सन हजरत साहब नूं दसो भला तुसीं किवें सुभान अल्लाह पे फरमांदे सो हाथ चुक के जिहड़ा नहीं चुकदा मैं अर्ज कीता बार बार कि नाल दा बेली चुक के बोलो सुभान अल्लाह हो सकदा तुहानूं ख्याल आवे आसी साहब बार बार कहिंदे हाथ चुक लो हाथ चुक लो हाथ चुक दे हाथ क्यों खड़े करांदे ने इस वास्ते खड़े करा रहे हैं कि अल्लाह ने सूरह यासीन में फरमाया अल्यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम वतुकल्लिमुना अयदीहिम अल्लाह फरमांदा कयामत नु ज़ुबानां बंद हो जाणगियां हाथ बोलणगे तो मेरा जी करदा जदों कयामत नु अल्लाह पुछे ते हाथ आखे या अल्लाह माफ कर दे जो भी करदा सी पर जदों कमली वाले दा नाम आउंदा सी मैं उच्चा हो के सुभान अल्लाह कहदा सी साडे नक्शबंदियां दे पेशवा मुजद्दिदियां दे पेशवा हुज़ूर सैयदना व मौलाना व औलाना इमाम रबानी कंदीले नूरानी हजरत सैयदना शेख अहमद सरहंदी हजरत सैयदना मुजद्दिद अलिफसानी रदियल्लाहु ताला अन्हु आप दे मुर्शिद कामिल हजरत ख्वाजा मुहम्मद बाकी बिल्ला सरकार रहमतुल्लाह अलैह
ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਮਾ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਰਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨਕਾਬ ਪੋਸ਼ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਆਇਆ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਉਸ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦਮ ਪਕੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਲਾਜੀ ਪਾਲੋ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਫਾਨੀ ਕਿਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਿਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਕਿਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਫਾਨੀ ਉਹ ਪਿਆਈ ਬਾਕੀ ਆ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਾਨੀ ਉਹ ਪੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਖਾਜਾ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਲਾ ਯਮੂਤੂਨਾ ਵਲਾ ਕੀ ਯੰਤਕਲੂਨਾ ਮਿਨ ਦਾਰਿਲ ਫਨਾਇ ਇਲਾ ਦਾਰਿਲ ਬਕਾ ਕੌਣ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਮਿਨ ਮਰ ਗਏ ਕੈਦ ਸੇ ਛੂਟੇ ਵੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਉਹ ਖਾਜਾ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਖਾਵਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਖਾਵਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਕ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨਿਹਾਰੀ ਦਾ ਸਾਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਲਨ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਮਹਿਮਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਲਜਪਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਫਕੀਰ ਦੀ ਮੌਜੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲਜਪਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਹੀ ਫਰਮਾ ਜੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲਿਆ ਫਕੀਰ ਦੀ ਮੌਜੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਲਗਾ ਜੇ ਮੰਗਣ ਫਰਮਾਇਆ ਮੰਗ ਮੰਗਣ ਲਗਾ ਜੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਫਰਮਾਇਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਬੰਨਾ ਕੋ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਉਹਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕਰੀਮ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲਬਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਮੰਗ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਦਿਓ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਹੁਜਰੇ ਚ ਲੈ ਗਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹੂ ਦੀਆਂ ਸਦਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਾਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ ਵਾਲਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਨਾ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਗੱਖੜ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਿੰਨ ਰਾਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਖਾਰਿਜ ਤਿੰਨ ਰਾਤਾਂ ਨਬੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਆਏ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਨਬੀ ਕਿਹੜਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਮਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਬੀ ਦੇ ਕਦਮ ਚ ਮਦਾ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਬੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਨਬੀ ਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕੋ ਕਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਨਬੀ ਤੇ ਆ ਬੈਠਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਇਹ ਬਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਲ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਯਾਰ ਨੇ ਰੰਗ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਐਸਾ ਯਾਰ ਨੇ ਯਾਰ ਤੇ ਗਾਰ ਚ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਉਹ ਵੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤਵੱਜੋ ਇਤਿਹਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਇਤਿਹਾਦੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਤਰ ਜਮੈਂਜ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਕਤਰਾ ਵੰਜ ਪਿਆ ਦਰਿਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਵੇ ਆਪ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸੁਬਹ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਤਰਾ ਦਰਿਆ ਚ ਸੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਤਰਾ ਵੀ ਦਰਿਆ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਿਆ ਬੜੇ ਸਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਰ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਨਾਓ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਫਨਾਓ ਦੇਣਾ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਸਦੀਕ ਜਦੋਂ ਫਨਾ ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਫਨਾ ਹੋਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆ ਜਾ ਗੁੰਬਦ ਖਿਦਰਾ ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲਟੀਏ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਸਲਾਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪੜ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾਤ ਤੇ ਦਵਾਮ ਹੀ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਜ ਪੜਿਆ ਕਰਨਾ ਕੌਣ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੜੀਓ
ते कौन कोई मैं कोई जिस दे नाल मैं प्रीत लगाई ते आप हो जई हो रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा हो गई मैं आप ही रांझा हो गई इन्हों कहते हैं तवज्जो इत्तेहादी हज़रत जी सिद्दीक दे उत्ते मेरे नबी ने जदा रंग चढ़ाया कि वेखन वाले नूं पता ही नहीं सी लगदा ए होवे कि होवे ऐसा यार ने रंग चढ़ाया फिर आया आख्या आ जा आ जा आ जा गुंबद खिजरा च इकट्ठे लेटिए मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने वाह वाह पाग सुभान अल्लाह घर जाके बोले आज सुभान अल्लाह फरमांदे ने वाह वाह पाग ओए वाह वाह पाग तिन्हां दे जिन्ना सुभान अल्लाह दिलबर कोल बसेरा ओ जिउंदियां वी ज्यों इकट्ठे ते मोयावी एक डेरा ओ ज्यों आवी ज्यों इकट्ठे ते मोयावी एक डेरा एक सिद्दीक नहीं मेरे नबी ने यारां ते रंग हज़रत मूसा बिन उमैर दी शक्ल नबी पाक नाल इतनी मिलदी सी ते जदों मैदान उहद च हज़रत मूसा बिन उमैर शहीद होए ते लोगां ने जिहड़ा मदीने च आ के रौला पाया सी ना नबी पाक शहीद हो गए ने ओह नबी पाक शहीद नहीं सन होए मूसा बिन उमैर शहीद होए सन यार ने यार ते रंग ही इंजदा चढ़ाया सी पता ही नहीं सी लगदा ओए वेखे इंज मेरे यार दे यारां ते रंग चढ़ा दिते सन ग्रामी कदर हजरात इन फनाफे शेख इन फनाफे रसूल ते फनाफे अल्लाह दा मुकाम कहंदे ने जिहड़ा सिद्दीक अकबर नूं कायनात दा पहला सूफी कायनात दा पहला आशिक रसूल हुस्ने अव्वल दा इश्क अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु आइए हुण मैं एक हदीस पाक तुहानूं बाप दी अजमत दे हवाले नाल सुना देवां ते सरंगी मैं नाल लै चलिया वह अगली बारी आके सुना देवांगे इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह फस गई जान शिकंजे अंदर है ते जूं वेलने विच गन्ना रहो आखे अज रहो मुहम्मद अज रवे ते मन्ना सुभान अल्लाह बाप कायनात दी अजीम हस्ती मेरी मिल्लत दे नौजवानों कदे गौर कीता जे साडी ते तुहाडी जन्नत मामा दे कदमां थल्ले जेड़ी माई के कदमा थले मेरी ते तुहाड़ी जन्नत है ओ माई सारी जिंदगी रोटियां साडे अब्बू दियां पकांदी है अच्छा अपने कदमा थले जन्नत है ते जुत्ती साडे अब्बू दी पालिश करे कदमा थले जन्नत है ते कपड़े साडे बाबे दे धोवे गखर दे पढ़े लिखे नौजवान मैनू सच्ची दस्यो जिदे कदमा थले तेरी ते मेरी जन्नत है जिदियां ओह नौकरियां करदी ओह बाबे दी किन्नी कुशान होवेगी पता चलिया साड़ी जन्नत साड़ी मां को ले पर साड़ी अम्मी दी जन्नत साड़े अबू को ले नबी करीम मेराज तो वापस आए थे आपने फरमाया जन्नत च मैं गरीब ज्यादा देखे ने ते दोज़ख च औरतां ज्यादा देखी अर्ज की थी सोना क्यों फरमाया शोहर दी ना शुक्री दी वजह तो औरत शोहर दी ना शुक्री करे ते दोज़ख च टुट जाती है पता लग गया कि औरत दी जन्नत शोहर को ले ते जे तेरी मेरी जन्नत मां को लेना ते साड़ी अम्मी दी जन्नत साड़े अबू को ते जिथे अपनी जन्नत दा अदब करना है अपनी जन्नत दी जन्नत दा भी अदब करे आका बाबे दी कछोड़ी थोड़ी जी शान सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जड़ा मेरी मिल्लत दा नौजवान मेरे गुलाम मेरा उम्मती जड़ा सवेरे उठ के अपने अबू दा चेहरा वेख के मुस्कुरा देवे ये नहीं फरमाया अबू दा हाल पूछे अबू नु सलाम करे अबू दी जेब रोजाना दा खर्चा डाले नहीं बस फरमाया जरा सुबह उठ के अपने अबू दा चेहरा वेख के मुस्कुरा देवे अज ते नौजवान वांगू नहीं जरा चौका च खलो के अपने यारा नाल हसदा खेडदा होटलिंग करदा पर घर आवे ते अबू वल वेख के ते मथे तिउड़ी अम्मी बुलावे ते हूं करके बोले नहीं ओदी गल नहीं
उस नौजवान की गल जो सुबह उठे तो अबू सामने आ जाते अबू का चेहरा वेख के मुस्कुरा दे। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह के नामे अमाल च एक कबूल हज तो दो उमरिया का सवाब लिख देता है। ऐसा लखा हाजी हज करके आए लखा करके आवे अल्लाह साढ़े नसीबा च भी करे। सियालकोट लाहौर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से खलो के हाजी साहब पूछा जी हाजी साहब बड़ी मेहनत ना हज करके आए लखा रुपये लगा के गए सो सर्टिफिकेट तो विखाओ कि हज कबूल हो गया को सऊदी अरब वाले तो सर्टिफिकेट को सनत को गरंटी कार्ड देता हो कह ना ना कोई गरंटी नहीं पता नहीं कबूल है कि नहीं गरंटी कोई नहीं। मेरे नबी ने फरमाया काबे गया हज करके आवे खबर है कबूल है कि नहीं गरंटी कोई नहीं फरमाया आ जा मोहम्मद तू गरंटी ला ला फरमाया गरंटी ला ला मुस्तफा तू सवेरे उठ के अबू का चेहरा वेख के बस मुस्कुरा दिया कर रब तेन कबूल हज का सवाब बता करेगा। उधरों आवाज आई यार रसूल अल्लाह जेड़ा अबू ने रोज दो बारी वेखे मेरे नबी फरमाया दो हजां दा सवाब। उधरों आवाज आई यार रसूल अल्लाह जेड़ा अबू ने रोज तीन बारी वेखे मेरे नबी फरमाया तीन हजां दा सवाब। उधरों आवाज आई यार रसूल अल्लाह जेड़ा अबू ने रोज चार बारी वेखे मेरे करीम ने फरमाया केड़ी तीन ते चार दी गिनती च पै गए हो फरमाया मेरे रब दे घर को घाटा है फरमाया रोज अबू ने सौ बारी वेख्या कर रब सौ हज दे सवाब अता करेगा। मेरी मिल्लत दे नौजवानों काबा किबला हज तेरे वेड़े दे अंदर इन्हों के सामने अपन निगाह नीवियां अपने सिर नीवे अपन आवाजा नीवियां रखे करो नहीं तो जा किसी उस को पूछ जिदा अबू टुर गए। ईद वाले दिन सारे जमाना नवे कपड़े पा के खुशियां मनाता होंगे तो जिन्हों के मापे टुर गए कोई ईद वाले दिन नवे कपड़े पा के ईद की नमाज पढ़ के सीधे कब्रस्तान जाते कोई ईद वाले दिन जाके ते कबरां ते बैठ के ना ते मापे दी कबरां ते बैठ के रोंदे होंदे रब खुशियां देवे याद मापे आउंदे रब दुख देवे याद फिर मापे आउंदे। चंद दिन कबल मेरे कोल इक बड़े वडेरे जो बाबा जी बैठे ते मैं पुछया बाबा जी जिंदगी किवें दी गुजरी कहन लगे असी सब गुरबत च गुजर गए गरीब मां प्यो दा पुत्र सां ते गुरबत च दुखां च जिंदगी गुजरी पर शुक्र है पुत्र जवान हुए तो कोई यूरोप चला गया कोई अमरीका टुर गया तो रब ने बड़े फजल कर दिए कोठियां भी आ गई कारां भी आ गई रब ने बड़े फजल किए गुरबत भुल गई दुख भुल गए। मैं क्या बाबा जी कोई दिल की हसरत हो कह लगे नहीं आसी साहब कोई हसरत नहीं रब के बड़े करम ने पर मैं वेख्या तो बाबे की अख च मोटे मोटे अथरू मैं पूछा बाबा जी रोंदे क्यों रो के कह लगे असी साहब होर तो कोई हसरत नहीं पर कद कद कोठी वेख के दिल करता कद मां हो कद हूं मां हो टुर पता फिर लगता है फिर इंसान हसरत करता कद हूं हो मैं खिदमत करा ते हिन ते फिर इन्हों की कदर करो ना इन्हों की कदर करो इन्हों रो ना दे अजे खुदा का अर्श हिला के रख देंगे इन्हों के थ्रू। गिरामी कदर हजरात तेन चीमा चट्ठा चौधरी साहब राणा साहब जट साहब भट साहब कहने वाले जमाने च लखा भी हो पर जरा तेन अम्मी ते अबू पप्पू ते मिठू कह के बुला देना टुर जाना फिर बंदा इंसान नु रात नु अख खुले ना ते सराने च सिर दे के रोंदा कोई उंज बुलावे जिवें अम्मी बुलांदी सी कोई उंज प्यार करे जिवें अबू करदे सन पर इना जा कोई होवे ते प्यार करे लिहाजा जिन्हें हिन्न इन्हों की कदर करे अजे तो किसी ना किसी यतीम को बह के पुछ बाप की होंगे बच्चा अपने बाप ना बाजार चु गुजर जाए ना तो बच्चे बाजार चु गुजरद अबू की उंगली पकड़ के इंज लगता जिम्मे सारा बाजार ही मेरा क्योंकि मेरा अबू मेरे नाल है मेरे अबू ने मैं सारा कुछ लिया देना कोई बच्चे थप्पड़ मारे ना तो बच्चा पहली आवाज पता की होंगी मैं अपने अबू न दसागा ते जे यतीम नो कोई मारे ना तो यह भी नहीं कह सकता मैं अबू दसांगा क्योंकि बाप कोई नहीं सिर ते बाप दा साया होना बहुत बड़ी बात। मेरे एक दोस्त दे अबू फौत हुए मैं तजियत वास्ते गया जी कहन लगे क्या सी साहब रब काबा की कसम इंज लगता जिम्मे आसमान तो इलावा मेरे सिर ते अज साया ही कोई नहीं बाप तुरतन से इंज लगता जिम्मे समान तो इलावा सिर ते साया कोई नहीं रहा इन्हों की कदर करो नहीं तो पुछो ना इन्होंने को जिन्हें टुर गए उन्होंने पुछो बाप की होंगे माँ की होंगी है। मेरी मिल्लत दे नौजवानों आरफे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमा देने माओ मरे ते आए माँ पे मुके दे आए
ਕਰਨ ਬੇੜਾ ਵੇਲਾ ਇਹ ਬਾਪ ਮਰੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੇਲਾ ਇਹ ਬਾਪ ਮਰੇ ਬਾਪ ਮਰੇ मुहम्मद बख्शाओ मुक जांदा जे मेला बाप मरे ते मुहम्मद बख्शा मुक जांदा जे मेला। इतना बड़ा इज्तिमा कोई एक फर्द भी बिन उठ के कह सकता कि आसी साहब मेरे को गारंटी है मेरा रब मेरे ते राजी है कोई गारंटी? कोई गारंटी पर मेरे नबी ने गारंटी दी। हजूर ने फरमाया रिदा रब्बी फी रिदा अल वालिद मफहूम है कि जेड़ा तेरा सवेरे उठ के दिल करे कि आज मैं वेखा मेरा रब राजी है कि नाराज है। फरमाया सवेरे उठ के अबू का चेहरा वेख अबू राजी है समझी खुदा राजी है अबू नाराज है समझी खुदा नाराज है। बाप की रजा विच खुदा की रजा है बाप की नाराजगी खुदा की नाराजगी है। अलिफ लाम मीम दी अलिफ दी चोटी तो लैके वन्नास दी सीन दे घेरे तक पूरा कुरान पढ़ लो गखड़वा लियो। अल्लाह ने कुरान च माँ दी शाना ते बड़ियां बयान कीतियां ने पर कुरान पूरे विच रब ने किधरे माँ दी कसम नहीं उठाई। पर जदों बाबे दी वारी आई ना ते अल्लाह ने कुरान मजीद च फरमाया वबा लिदीम वमा वलद अल्लाह फरमांदा मैनू कसम है बाप दी अर्ज कीती तेरा ते बाप ही कोई नहीं तू ते लम्मी अलिद वलम यूला दे। अल्लाह फरमा मेरा ते बाप कोई नहीं पर मैं तेरे बाप की कसम चुक के दसना चाहना कि इस बाप का हया करी इस बाप का रब भी हया कर दी इस बाबे का हया करी इधर रब हया कर दी। मेरी मिल्लत नौजवानों अपनी माँ ते बाप दे सवेरे उठ के माँ के कदम ते अबू दे हाथ चुमिया करो जाओ जमाने तुहाड़ी कंड कोई ना लगा सकेगा। अल्लाह ताला जिन्हां दे जिंदा ने उन्हां सेहत आफियत वाली जिंदगी अता फरमा।